हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड टैग। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पीपीटी के अंदर जो स्लाइड्स हैं उनमें हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यूज़ करके आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनके लिए हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, सो जब भी आपसे कोई भी टैग के बारे में पूछा जाए, जैसे कि ये जो हेड टैग है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताना होता है कि वो जो टैग है वो कंटेनर टैग है या एम्प्टी टैग है। तो हेड टैग जो होता है वो एक कंटेनर टैग होता है, सो इट इज़ अ कंटेनर टैग। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द हेड टैग इन HTML इज यूज टू डिफाइन द हेड पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। यानी कि जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। ओके, सो हेड टैग कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द HTML डॉक्यूमेंट। देन वो जो इन्फॉर्मेशन हम कंटेन करवाते हैं हेड टैग के अंदर उसे हम बोलते हैं मेटा डेटा, जिसका मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ओके, जिसे हम डेटा अबाउट डेटा भी कहते हैं। और यही मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट दी HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, लाइक हम HTML डॉक्यूमेंट का एक टाइटल मेंशन करते हैं। ठीक है, सो वो भी क्या हुआ, एक मेटा डेटा हुआ। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटा डेटा इज यूजफुल फॉर सर्च इंजन्स। ओके, सो मेटा डेटा जो होता है वो वेब क्रॉलर्स यूज करते हैं इंडेक्सिंग के लिए। ओके, तो उसी से वो क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने टाइटल यूज़ किया है, तो वेब क्रॉलर क्या करेगा, टाइटल के अकॉर्डिंग आपके HTML डॉक्यूमेंट को इंडेक्स करेगा। ओके, और द नेक्स्ट पॉइंट इज हेड टैग इंक्लूड्स सेवरल टैग्स, जैसे कि हमारा टाइटल टैग जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा था। तो टाइटल क्या करता है कि जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसके टाइटल सेट करता है। देन स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमारी इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं CSS, उनकी जो स्टाइल्स होती हैं उनको इस टैग के अंदर लिखते हैं। देन लिंक टैग, लिंक टैग क्या करता है, लिंक टैग जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है उसके और HTML डॉक्यूमेंट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ओके, लाइक अगर हमें CSS, एक्सटर्नल CSS फाइल हमें यूज़ करनी है तो हम लिंक टैग यूज़ करते हैं। देन मेटा टैग, मेटा टैग क्या करता है कि जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका जो मेटा डेटा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम HTML डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इस मेटा टैग के थ्रू, उससे रिलेटेड हम कीवर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग क्या करता है कि जो भी हमारे जैसे जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट्स होंगी वो हम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। ओके, देन नो स्क्रिप्ट, तो मान लीजिए कि ब्राउज़र ने कोई स्क्रिप्ट रन नहीं की या फिर यूज़र ने स्क्रिप्ट्स डिसेबल कर रखी है तो वो हम उसके लिए अल्टरनेट टैग्स हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, और वो जो अल्टरनेट टैग्स होगा वो हम इस नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज The head tag is supported by all browsers. तो जितने भी browsers है, Chrome है, Internet Explorer है, Firefox है, Safari है, वो सब इस head tag को support करते हैं। Then last में हमें क्या बताना होता है, attribute. Okay, theoretical part में हमें last में क्या बताना होता है, attribute. So ये जो head tag है उसका एक attribute होता है profile, जो define करता है URL, metadata की URL को. Okay, but ये जो प्रोफाइल एट्रीब्यूट है वो अब HTML5 में सपोर्टेड नहीं है। ओके, बट फिर भी आपको एक बताने के लिए मैंने यहाँ पे ही मेंशन किया है, सो आप एग्ज़ाम में भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल। ओके, तो अब हम हेड टैग का एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। सो यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फाइल है, मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ और नोटपैड ओपन करता हूँ। और सबसे पहले हम नोटपैड, जैसे ही हम ओपन करेंगे
तो नोटपैड में सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, इस फाइल को सेव करना होगा और फाइल का नाम हम रखेंगे index.html। ओके, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप फाइल कहाँ सेव करवा रहे हो। ओके, फाइल सेव की और बैकग्राउंड में ये फाइल आ गई। ओके, सो मैं फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक टाइप मेंशन करते हैं। ओके, सो डॉक टाइप HTML एंड देन हम HTML टैग यूज़ करते हैं। HTML और HTML टैग क्या है, एक कंटेनर टैग है। सो कॉपी एंड पेस्ट एंड जो क्लोजिंग टैग है उसमें हमने आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। और अब आता है हेड टैग, यानी कि जैसे ही HTML टैग हमने लिखा उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूज़ करते हैं हेड टैग। ओके, और हेड टैग भी हमने अभी पढ़ा कि वो भी क्या होता है, एक कंटेनर टैग होता है। सो कॉपी पेस्ट एंड जो क्लोजिंग टैग है उसके आगे लगा दिया हमने एक फॉरवर्ड स्लैश। और जैसा कि हमने अभी स्लाइड में देखा कि ये जो हेड टैग होता है इसके अंदर हम बहुत से टैग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया कि स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक टैग भी यूज़ कर सकते हैं, टाइटल टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलेंगे। तो इसमें हम टाइटल टैग यूज़ करने वाले हैं, टाइटल, और टाइटल भी क्या है, एक कंटेनर टैग है। सो कॉपी पेस्ट एंड ये क्लोजिंग टैग के आगे फॉरवर्ड स्लैश, और मैं इस पेज का टाइटल रखूँगा अबाउट हेड टैग। ओके, सो यहाँ पर ये जो टाइटल हमने यूज़ किया है, ये जो टाइटल टैग हमने यूज़ किया है, ये उस डॉक्यूमेंट में ब्राउज़र के अंदर कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, ये जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल सेट करेगा, जो कि ब्राउज़र में ऊपर टैब में बताएगा। ओके, सो अभी हम बॉडी सेक्शन कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो सिर्फ क्या बताएगा, वो टाइटल बताएगा। ओके, सो इसको ओपन किया। ओके, सो यहाँ पर बॉडी हमने कुछ बताया नहीं था, तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट ब्लैंक आया है। और ऊपर यहाँ पर उसने क्या बताया है, जो हमने टाइटल सेट किया था अबाउट हेड टैग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।